हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है और मैं साइकियाट्रिस्ट, एनएलपी ट्रेनर, हिप्नोथेरेपिस्ट और कोच हूँ। मैं सेक्सोलॉजिस्ट और रीएडिक्शन स्पेशलिस्ट भी हूँ। होता क्या है कि हमारे पास में काफ़ी पेशेंट ऐसे आते हैं कि जिनको काफ़ी सारी ऐसी लो एनर्जी होती है, काफ़ी लो एनर्जी रहती है। मतलब वो बीमारी कभी एंग्जाइटी की हो, चिंता रोग की बीमारी हो, कभी डिप्रेशन की बीमारी हो, या कभी ऑब्सेशन की बीमारी हो, या फोबिया की बीमारी हो, या और कोई भी मानसिक तान तनाव हो, ऐसा मतलब उनको लो एनर्जी फील करते हैं। वो सोचते हैं कि उनको भाई कुछ काम करने की इच्छा नहीं है और एकदम लो एनर्जी। काम तो वो कर रहे हैं, खींच तो रहे हैं, दिन तो बिता रहे, मगर ऐसा उनको लो एनर्जी होती है। हो सकता है कि वो जो बीमारी है मानसिक तान तनाव, उसके वजह से हो सकता है, बीमारी की वजह से हो सकता है, या फिर आने वाली है बीमारी, समझे, तो फिर वो थोड़ा सा लो फील करते 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 उसको डिप्रेशन आ जाता है। अब लोग जब हमारे पास में आते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, हमको दवा मत दो। ऐसी कोई मैं कोई मेंटल पेशेंट नहीं हूँ, मैं कोई पागल नहीं हूँ, मुझे दवाई नहीं होना, मुझे ये तरीके बताओ कि मैं जो लो एनर्जी फील कर रहा हूँ उसमें मुझे ज़रा हाई एनर्जी हो जाएंगे। तो मैं आपको तरीके बताऊँगा कि भाई हाई एनर्जी कैसे फील करना बिना दवाई के। होता क्या है कि जैसे एनर्जी है नहीं है, मतलब ऐसे कोई बाहर से नहीं ला सकते आप, एनर्जी अपने अंदर ही है। तो मैं हरदम ये बोलता हूँ कि फील एनर्जेटिक, फील एंथुजियास्टिक। और जो एनर्जेटिक आदमी जैसा करता है, एंथुजियास्टिक आदमी जैसा करता है, मतलब उत्साह वाला, जोशीला, जोश है वैसा, वो आदमी जैसा करता है वैसी बात करो, वैसा बर्ताव करो, और फेक इट टिल यू मेक इट। मतलब ऐसे ड्रामा भी किया आपने कभी हरकत में, जब तक आपकी वो आदत नहीं बन जाती, सबकॉन्शियस माइंड की वो आदत नहीं बन जाती, तो वो तब तक सबकॉन्शियस माइंड को आपको हैमर करना पड़ेगा, अंतर मन को आपको हैमर करना पड़ेगा, और अंदर हैमर करते 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 उसको आदत हो जाएगी कि भाई हमको कुछ भी हो जाए वातावरण, मैं एनर्जेटिक रहूँगा या मैं एंथुजियास्टिक रहूँगा। अब इसके लिए आप म्यूजिक सुन सकते हैं, थोड़ा कुछ अकेला डांस भी कर सकते हैं, कभी ऐसे जोर जोर से अपन तालियां बजाते हैं, हाव हाव करते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ हिलाते हैं, या ऐसा कुछ का ऐसा मतलब कोई बर्ताव ऐसा करते हैं जिससे अपने को मतलब आईने के सामने खड़ा रहते हैं और जोशीला जैसा बिहेव करना, तो उससे भी काफ़ी एनर्जी आती है। कुछ लोग लाफ्टर क्लब में जाते हैं, बहुत जोर जोर से हंसते हैं ताकि हंसने से मतलब काफ़ी सारी एनर्जी आ जाती है और अच्छा लगने लगता है। तो आपको कोई बीमारी है करके ऐसा नहीं कि एनर्जी जा रही है, कुछ नई बीमारी है तभी भी लो एनर्जी फील करते हैं लोग, तो उसके बाद में कर रहा हूँ। तो लाइक फेक इट टिल यू मेक इट, जब तक आपको उत्साह नहीं है, एनर्जी नहीं है, तब तक आपने वो फेक करना है और एनर्जेटिक है ऐसा बताने का है। तो दूसरा ये है कि आपकी आपकी खाने पीने की आदत है। अब खाने पीने की आदत है, यदि बहुत ज़्यादा आप खाते हो तो आपको एनर्जेटिक नहीं लगता है, तान तनाव रहे, खा भी ज़्यादा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं अभी सो जाऊँ, दोपहर को ऐसा लगता है कि थोड़ी सी नींद ले लूँ, और बहुत सारा ऐसा वजनदार लगता है ना, और पेट भी ऐसा लगता है कि नहीं नहीं अभी आराम करना चाहिए। तो ऐसा लाइट हल्का खाना खाते हैं तो आपका आलस दूर हो जाएगा, आपको एनर्जेटिक लगेगा, काम में भी मन लगेगा। तो एक ही या दो बार खाना, उसके बदले आप थोड़ा थोड़ा खाना तीन चार बार खाते हो, और वो भी ज़्यादा सैलाड वाला, बहुत ज़्यादा सैलाड है, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स है, कम ग्लूकोज वाला खाना आप खाते हैं जिसमें शक्कर कम है, शुगर कम है, ऐसा खाना आप खाते तो बहुत ही आपको एनर्जेटिक लगेगा। नेक्स्ट आइटम जो मैं बताने वाला हूँ वो है नींद। आपकी नींद काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, कम से कम 7 से 8 घंटे आप यदि अच्छा सोते हैं और चैन की नींद, बिल्कुल रिलैक्स, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो आपको दूसरे दिन अच्छा लगेगा और काफ़ी सारा मतलब उत्साह रहेगा काम में, आलस निकल जाएगा और काम में भी अच्छा काम, प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी और काम अच्छा हो सकता है। फिर दूसरा आइटम जो है उत्साह लगने का, एनर्जी लगने का, कि भाई आप जो काम कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, तो स्टार्ट लविंग योर जॉब। मैं एकदम ऐसा बोलता हूँ कि चूज ए जॉब ऑफ योर चॉइस एंड यू नीड नॉट हैव टू वर्क इवन फॉर ए सिंगल डे इन योर लाइफ। मतलब आपका जिसमें पैशन है वो काम आप चालू कर दो, जो काम में आपको लगता है कि नहीं नहीं दिल खोल के काम कर सकते हैं, ऐसा भूख प्यास भूल के काम कर सकते हैं, ऐसा काम वो चालू करो, या फिर जो काम करना अनिवार्य है उसमें मजा लाओ, उसके ऊपर प्यार करना चालू करो। तो वो एक एनर्जेटिक एंथुजियास्टिक फील करने का तरीका होता है। और ये सब हम यदि सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर हम बार बार हैमर करते हैं, आदत जैसी बना लेते हैं, सुबह शाम उठ के बिल्कुल खुद को आदत जैसी लगाना कि भाई मैं रोज मतलब
लाइक हंसूंगा या क्लैप करूंगा या म्यूजिक सुनूंगा, गाना गाऊंगा या हल्का खाऊंगा या जीना छीलूंगा, जो भी है ये, और जो काम कर रहा हूँ उसके ऊपर प्यार करूंगा। मतलब इस तरह से हम अपना रोज का बर्ताव रखते हैं, देखो बहुत सारा एनर्जेटिक आपको लगेगा। वैसे आप यदि एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं आपको बहुत ही फिट लगेगा और बहुत ही लाइट लगेगा। तो कम से कम 40 मिनट की एक्सरसाइज आप रोज करो, उसमें फास्ट चलना या ट्रेडमिल करना, स्किपिंग करना, अलग अलग आसन करना, योगासन अलग अलग आसन करना, और बॉडी को फ्लेक्सिबल करना रोज। तो वो आप यदि एक्सरसाइज 30-40 मिनट की एक्सरसाइज आप रोज करते हो तो बहुत ही आपको फिट लगेगा, अच्छा लगेगा, एनर्जेटिक लगेगा, एंथुजियास्टिक लगेगा। नेक्स्ट आइटम मैं जो बोल रहा हूँ कि जिससे आपको एनर्जी लगेगी और बहुत ही काम में मजा आएगा, वो काम स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू पीपल। जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनके जीवन में हम कैसा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब जो भी जिसको चाहिए, कोई डाउन है, डिसएम्पावर्ड है, उससे हम कोई मोटिवेटिंग बात करते हैं, कोई किसको कुछ मदद करना है तो मदद कर सकते हैं, कोई सलाह किसको चाहिए तो वो सलाह दे सकते हैं, हमारे तरफ से किसको जो भी हमारे तरफ से कोई पैसे की मदद चाहिए तो वो कर सकते हैं, पैसे की मदद एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब जो भी लाइक स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू पीपल हु कैनॉट पे यू इन काइंड और कैश। ये हरदम बोलता हूँ डिप्रेशन के लिए, तो मैं हरदम ये बोलता हूँ कि दवाई मत खाओ आप, यदि आपको लो मूड लगता है तो बिल्कुल दवाई खाने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू पीपल, वो लोगों को मदद करो जो आपको आपने दी हुई मदद कोई भी हालत में वापस नहीं कर सकते, ना पैसे से वापस कर सकते, ना और कोई से वापस कर सकते, ना आप अपेक्षा कर रहे हो, तो ऐसे लोगों की आप मदद करो, देखो जीने में बहुत मजा आ जाएगा। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मतलब कॉन्ट्रीब्यूट करो लोगों को, आप कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे आपको भी अच्छा लगेगा। सो थैंक यू वेरी मच।